Hey guys, hi everyone. This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है मेरे बच्चे जिंदगी? People, welcome back to Sprint X, जहां हम दौड़ते हैं, उड़ते हैं और मचाते हैं, है ना people? Always remember that you can and you will. और एक बार जोरदार से इसी बात पे बल्ले बल्ले दे दो मुझे चार्ट पे. Once again, thank you so much for making Sprint X a very very big hit series. As always, हर साल की तरह पिछले साल से भी ज़्यादा मचा रहे हैं हम. इस बार बहुत मज़ा आ रहा है हमें करते हुए. ऐसे ही याद रखना कि स्प्रिंट एक्स हम कर रहे हैं फॉर सीबीएसई 10th राइट नाउ. सीबीएसई 9 के लिए भी होगा और आईसीएसई 10 के लिए भी होने वाला है. स्प्रिंट एक्स ये प्री बोर्ड्स के लिए चल रही है, सीबीएसई 10 के लिए ये बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए भी होगा. तो बच्चों, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग द चैनल राइट नाउ एंड प्रेसिंग द बेल आइकन सो दैट यू गाइस गेट नोटिफाइड अबाउट एवरीथिंग कमिंग अप ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल. उसी के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और हो सके तो कम्युनिटी पे चेक कर लेना सुबह सुबह, ताकि आपको शेड्यूल मिल जाए टेलीग्राम ग्रुप पे भी और वहां पे भी. ठीक है, कहीं पे भी आप देखना चाहो, आपकी कंफर्टेबिलिटी है. बट थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस एज अ ह्यूज सक्सेस. उम्मीद है कि पिछले सेशन में आपको मजा आया होगा. हर्षानंद बाबा, अमृतानंद बाबा हिट हुए कि नहीं हुए? कि नहीं मजा आया ना? मेरे को बहुत मजा आया. तो देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं. ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं. भाई आज ना हम लाइट चैप्टर को हमने दो भाग में डिवाइड किया था. पिछले सेशन में हमने किया था हमारे कॉन्केव मिरर न्यूमेरिकल्स को, फिर कॉन्वेक्स मिरर न्यूमेरिकल्स को, फिर रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया था. आज हम करने वाले हमारे कॉन्केव लेंस न्यूमेरिकल्स, कॉन्वेक्स लेंस न्यूमेरिकल्स और पावर ऑफ ए लेंस. आज हम थोड़ा लेंसेस पे थोड़ा और अपनी अंतरात्मा से थोड़ा और प्यार बांटेंगे. क्या कहते हो, है ना? तो ये तीनों टॉपिक्स हमारे पिछले सेशन में हो चुके हैं. ये तीनों आज हम करने वाले हैं. हमेशा की तरह बच्चों 10 सवाल होंगे, एक आपका 9 मेरा. ठीक है, एक आपका होमवर्क होगा, तो जरूर करना. कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, पिछले सेशन में हमने टारगेट रखा था कि हजारों लाइक्स हो जाने चाहिए, 1000, 2000, 3000 लाइक्स हो जाने चाहिए. और आपने करके दे देते सेशन के स्टार्ट होते साथ, विद इन 24 आवर्स मचा दिया था हमने. और कमेंट्स भी हमने कहा था कि भाई 1000 कमेंट्स के ऊपर क्रॉस कर देना चाहिए, और कर दिया भी. इस बार भी ये होना चाहिए कि कमेंट्स में 1000 कमेंट्स क्रॉस हो जाना चाहिए विद इन 24 आवर्स, लाइक्स में 3000, 4000 हो जाने चाहिए विद इन 24 आवर्स. मचाना है हमें हर बार. स्प्रिंट एक्स सबसे बिग हिट सीरीज बनाना है, एज इट ऑलवेज हैज बीन, है ना बच्चों? चलो, ये मेरा फिजिक्स का शेड्यूल है. जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं है हमारे साथ, सब्सक्राइब नहीं किया, देख लो बच्चों, फिजिक्स का पूरा सिलेबस हो रहा है. मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल राइट अवे. केमिस्ट्री का भी हो रहा है, फिजिक्स में 7, केमिस्ट्री में 7 हो रहे हैं, बायोलॉजी में 7 हो रहे हैं. लेकिन हमारे हर्षानंद बाबा 17 सेशन ले रहे हैं. हमने भी कह दिया, जा हर्ष जा, जी ले अपनी जिंदगी. 17 सेशन वो छोड़ो, अमृतसर भी 7. तो हम तीनों मिलकर साइंस का 21 सेशन ले रहे हैं, वो 17 सेशन मैथ्स का. ऑफ कोर्स इंग्लिश में श्वेता जी भी हमारी 20 सेशन ले रही है, अंकना जी भी दिल खोल के 20 सेशन ले रही है. तो भाई हमने इनको मोरल सपोर्ट पूरा दिया है. अभी आपका काम है कि आप इनको मोरल सपोर्ट दो. आप भी इनके सेशन में आओ, वरना फिर लगेगी इनके, है ना, फिर दिल से बुरा लगेगा, अरे यार क्यों ले रहा हूँ मैं, ऐसा हो जाएगा फीलिंग, है ना? पिछले सेशन में होमवर्क दिया था हमने. उससे पहले भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूल मत जाना. ठीक है, चलो होमवर्क दिया था हमने, होमवर्क को भी सॉल्व कर लेते हैं. होमवर्क को सॉल्व करने के बाद पता चलेगा भाई हमारे आज के होमवर्क रॉकर्स कौन है. पिछले सेशन में सबसे पहले जवाब किसने दिया था, देखते हैं पहले. उससे पहले चलो उसको सॉल्व करते हैं जल्दी से. मुझे लगा तू वहां पे आएगा, मैं सच बोल रहा हूं मैं. हाँ चलो. ओके, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? यार इसके लिए मेरे को न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने क्लियर ही देखा है मेरे को. ये क्या मिरर, ये कॉनकेव मिरर है ना, दिया हुआ ना, कॉनकेव मिरर है. हाँ, कॉनकेव मिरर है ये. ठीक है, फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है. तो अगर फोकल लेंथ 15 है तो मेरा रेडियस यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 पे होगा. तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 30 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. तो मेरे को न्यूमेरिकली करने की जरूरत नहीं है. मुझे दिमाग में आ गया भाई इमेज डिस्टेंस शुड बी 30 सेंटीमीटर -30 टू बी प्रिसाइज. ये लोगों -30 लिखा हुआ है. ठीक है, और मुझे पता है कि जब ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम होती है, ये भी मुझे पता है. तो इमेज साइज ही पूछा हुआ है, व्हाट विल द नेचर, ऑफ कोर्स रियल एंड इनवर्टेड, एंड द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि -2 सेंटीमीटर. यहां खत्म. अरे ये तो मेरे ख्याल से आप अपने मचा दिया होगा, न्यूमेरिकली करने की जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन पढ़ा होगा, होमवर्क में दे दिया होगा जवाब, है कि नहीं? देखते हैं. अरे मनीषा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस. मनीषा जी मतलब मचा रही है एकदम, होमवर्क रॉकर से मचा रही है मनीषा जी. कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत बहुत बढ़िया. अर्चिता जी ऑन दी 2nd पोजीशन, शाबाश मेरे शेरनी, शाबाश. और कौन हमारे साथ? दीपक जी ऑन दी 3rd पोजीशन, अनिकेत जी ऑन दी 4th पोजीशन. फैंटास्टिक, यू हैव डन इट अमेजिंगली. ये था हमारे आज के टॉप 4. आज मैंने टॉप 5 नहीं लिया, टॉप 4 लिया. कोई बात नहीं बच्चों, चिंता मत करो, सबका नाम आ जाएगा. ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. हमारे आज के मोटिवेशनल कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की. एज ऑलवेज द कोट फॉर टुडे इज दिस, टेक योर ड्रीम्स सीरियसली। इस चैनल के हर एक टीचर का एक ही ड्रीम है, एजुकेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट एट ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट द चीपेस्ट ऑफ द प्राइसेस पॉसिबल। इसी बिलीव से हर एक टीचर इस चैनल पे फ्री में पढ़ाता है, राइट? पीपल मेक श्योर दैट यू रेस्पेक्ट दैट एंड मेक श्योर दैट यू फॉलो दैट एज योर ओन पाथ, जहां पे आप भी कुछ करो अपने ड्रीम्स के लिए सीरियसली। ठीक है, कीप दैट इन योर माइंड। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। ठीक है, तो आज बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवाल हैं। हर एक सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन से है और जैसा मैंने आपको हमेशा कहा हुआ है, स्प्रिंट एक्स के सवाल बोर्ड्स में हमेशा आए हैं, एक या दो या हर एक सेशन देखना, हर एक सेशन में से एक क्वेश्चन कम से कम आया हुआ है और हम इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही हैं तो आएगा जरूर। ठीक है, तो 10 सवाल बच्चों स्टार्ट होते हैं अभी के अभी। पहला क्वेश्चन, 1 मिनट, 1 मार्क का सवाल आपके एग्जामिनेशन के लिए। 1 मिनट आपको एग्जामिनेशन मिलेगा। स्प्रिंट चल रहा है भाई, 30 सेकंड्स लगेंगे यहाँ पे। चलो रीड करते हैं सवाल। स्टूडेंट ऑब्टेन्स अ ब्लर्ड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। हो गया। टू ऑब्टेन अ डिस्टेंट इमेज ऑन द स्क्रीन ही शुड मूव द लेंस वेयर। तो इस क्वेश्चन को देख के बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इसमें लिखे क्या यार, उसमें कुछ दिया ही नहीं है, कोई हिंट ही नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज का समझ कैसे आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ का समझ में नहीं आ रहा, इमेज कैसे रखूं मैं, फिर इमेज डिस्टेंस कहां बनेगी, कोई आइडिया नहीं है। 2017 का सवाल है भाई, 2017 का सवाल है, तो जवाब क्या होना चाहिए बच्चों? इस पूरे क्वेश्चन में एक सिंपल सा हिंट दिया हुआ है। अगर आपको हिंट दिख रहा है तो चैट पे अभी के अभी डालेंगे, कमेंट से मुझे बताओगे क्या हिंट है इसमें। हिंट यहाँ पे एक ही है, वो क्या है? अ स्टूडेंट ऑब्टेन्स अ ब्लर्ड इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को काफी दूर रखा गया है और जो ऑब्जेक्ट काफी दूर रखा जाता है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि भाई वो इंफिनिटी पे है। अगर ऑब्जेक्ट मेरा इंफिनिटी पे है तो मेरे स्क्रीन को कहां पे होना चाहिए कि मेरा इमेज मिले? कॉन्वेक्स लेंस है, बताइए आपको। 1 मार्क का सवाल है, इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा जवाब लिखना चाहिए आपको, बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको जल्दी से, है ना। ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। अगर मेरा ऑब्जेक्ट दूर है तो मैं इंफिनिटी से पैरेलल रेज आते हैं ना, और ये कहां इंटरसेक्ट होंगी भाई? ये आपके फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो आपका जो स्क्रीन है वो फोकस पे होना चाहिए, है ना। तो यानी कि आपको जो स्क्रीन है, आप कहां मूव करोगे? आपको ब्लर इमेज मिल रहा है, यानी कि आप फोकस के पीछे रखे हुए हो, है ना, आप फोकस के पीछे रखे हो, तो आप क्या करोगे? टुवर्ड्स दी लेंस मूव करोगे, टुवर्ड्स दी लेंस आप स्क्रीन को मूव करोगे और फोकस पे लाओगे ताकि आपका इमेज क्लियर दिखे। कितना इजी सवाल था ये, एक सिंपल सा हिंट, इतना बेसिक से इतना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बस दिमाग में आ जाए तो मजा। अग्रिम बच्चों, तो ऐसे सवालों को हमेशा हमेशा ध्यान देना है। ये आपके ऑप्शंस के सबसे पहला सवाल टुवर्ड्स द स्क्रीन था, तो ऐसे ही अमेजिंग सवाल करने वाले आज, न्यूमेरिकल्स, वर्ड प्रॉब्लम, सब कुछ। ठीक है, दूसरा सवाल आपके सामने, अगेन आपके 1 मार्क का सवाल। एग्जामिनेशन आपको 1 मिनट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप 30 सेकंड में करना है आपको। जैसा मैंने हमेशा कहा है भाई, स्प्रिंट है, स्प्रिंट सेशन के लिए जब भी बैठोगे मेक श्योर कि स्टॉप वॉच लेके बैठो और स्प्रिंट टाइम के अंदर करने की कोशिश करोगे। स्प्रिंट टाइम अगर कर लोगे जवाब, तो भाई आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन या प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2 घंटे खत्म हो जाएगा। तो इसी टाइम को पकड़ के चलना है, अपने आप को इतना केपेबल बनाना है कि आपके सामने कोई भी एग्जाम टिक ना पाए, है ना। तो इतना मोटिवेट करके रखना है अपने आप को। जब 30 सेकंड्स में 1 मार्क का सवाल करने लग जाओगे, 2 मिनट में 5 मार्क का सवाल करने लग जाओगे, तो भाई पहुंच जाओगे, है ना। चलो, इफ ए लेंस हैज पावर -2.5D देन इट इज अ convex lens with focal length 40 cm, concave lens with focal length 40 cm, convex lens with f of 0.4 cm, concave lens with f of 0.4 cm. Which one do you think is the correct answer, people? Go ahead. वीडियो को पॉज करो, वक्त दे रहा हूं, सॉल्व करो 30 सेकंड्स के अंदर और दोबारा आओ वीडियो में। टाइम एंड्स इन 3, 2, 1। होपफुली आप लोगों ने वीडियो पॉज करके कर लिया होगा सॉल्व। अब हम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका जवाब एक चुटकी में आ सकता है। कैसे भाई? नेगेटिव है, इट्स अ नेगेटिव पावर एंड नेगेटिव पावर इंडिकेट्स इट्स डेफिनेटली अ कॉन्केव लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स को निकालो बाहर, कॉन्वेक्स को बाहर निकाल दो। ऑप्शन बी और ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब दूसरी बात, सॉल्व करना है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो f विल बी इक्वल टू 1/p, ठीक है। 1/p कितना है आपका? -2.5d, तो f कितना हो जाएगा? -0.4 मीटर्स, सेंटीमीटर नहीं। फोकल लेंथ पावर के थ्रू हमेशा मीटर्स में ही आएगा, एसआई यूनिट्स में ही आएगा। उसके बाद आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर लिख सकते हो। तो कॉनकेव लेंस विद फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 0.4 यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स आपसे हुई होंगी और ये जो पावर वाला और जो सेंटीमीटर मीटर कॉन्सेप्ट है, इसमें मैंने खुद गलती की हुई है बोर्ड्स में भाई, है ना, और हर चैनल तो 10 बार की हुई है, 10 बार एग्जामिनेशन लिखा मैंने बोर्ड्स का, अंदर की बार ग्रेट कितना बेइज्जती करता ना मैं उनका एक दिन लगता है वो वहां से मिसाइल छोड़ेंगे, मेरा घर को उठा देंगे पूरा एकदम ऐसे वहां बैठे बैठे। बहुत हो गया अभिषेक, बहुत हो गया, यही बोलेंगे एकदम। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। -40 सेंटीमीटर इज द डैम करेक्ट आंसर। आई होप यू गाइस गॉट द आइडिया कि कहां पे मिस्टेक हो सकता है। तो जो जो मैं बोलते जा रहा हूं कि यहां मिस्टेक हो सकता है बच्चों, वो ना नोट डाउन कर रख लो, क्योंकि जब आप रिवाइज करोगे, जब आप दोबारा पढ़ाई करोगे ना, तो आप देख पाओगे उन चीजों को और ये मिस आउट नहीं हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो नोट डाउन कर रखो, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है, मुझे पता है कि आप भी करोगे। क्यों हम तो एक ही है ना। तीसरा सवाल 1 मार्क का 2015 का सवाल है। A student has obtained a point image of a distant object using the given convex lens. To find the focal length of the lens, he should measure the distance between the what? Bouncer. Bouncer. सोचो, दिमाग लगाओ, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करके देखो। आज जब तक सॉल्व करो बता देता हूं, आज का जो 8 और 9 क्वेश्चन है ना, तो क्या बताऊं, चिकने एकदम चिकने। पिछले सेशन में क्या था, लालू लल्लू 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 और लल्ली थी ना, आज चिकने सवाल, आज एकदम चिकने सवाल है, कहते हैं ना एक चिकने और एकदम। तो आज से हम सारे अच्छे से क्वेश्चंस को चिकने बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे? चिकने। तो ऑल दी साउथ इंडियंस विल नॉट अंडरस्टैंड दिस ऑफ कोर्स। चिकने मींस पीपल स्मूथ एज इन Men who do not have beard, like smooth, चिकने बुलाते हैं, चिकना। ठीक है, तो क्वेश्चंस चिकने सवाल, तो याद रखना इस बात को, फॉलो करेंगे। मैं खुद भूल जाता हूँ क्या क्या इस्तेमाल करता हूँ। होपफुली आप लोगों ने सवाल कर लिया होगा, देखते हैं सवाल को दोबारा। A student has obtained a point image of a distant object using the given convex lens to find, again ये distant object है, देख रहे हो आप, again ये distant object यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली, नहीं distant object दोबारा। उम्मीद है इस बार जब आपने क्वेश्चन रीड किया होगा, आपके आंखें उस चिकने वर्ड पे गई होंगी। To find the focal length of the lens, he should measure the distance between the, of course, the lens and the screen. क्यों? क्योंकि भाई जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंट पे होता है, आपका इमेज बनता है फोकस पे, है ना, बनता है फोकस पे, और स्क्रीन पे अगर ये इमेज बन गई है क्लियरली, तो यानी कि स्क्रीन फोकस पे ही रखा गया है। अगर कहीं और रखा जाता तो जो इमेज बनी है वो ब्लर बनता। ठीक है, तो अगर आप लेंस और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस समझ नाप लोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द फोकल लेंथ। सिंपल एज दैट। आई थिंक द आंसर इज प्रीटी श्योर, प्रीटी क्लियर, लेंस एंड स्क्रीन ओनली। करेक्ट, एग्जांपल अमेजिंग, बोर्ड्स 2015 का सवाल मचा डाला हमने एकदम, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आपके 1 मार्क के सवाल होते हैं यहीं पे खलास। खलास। सेकंड 2 मार्क के सवाल, अभी 2 मार्क के 2 सवाल करेंगे। आज 3 मार्क्स और 5 मार्क्स से ज्यादा है, ठीक है, तो 2 मार्क के सवाल करेंगे। अभी 2 मार्क के सवाल आप एग्जामिनेशन में कर सकते हो 2 से 3 मिनट के अंदर, लेकिन यहाँ स्प्रिंट चल रहा है भाई, स्प्रिंट में आपको मिलेगा 1 मिनट, तो स्टॉप वॉच स्टार्ट करो। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही लल्लू सलवा सवाल है, बोर्ड्स 2016 का सवाल है, देखो ध्यान से। फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस व्हिच फॉर्म्स अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर। आपको पावर निकालना है, और आपको पावर ही निकालनी है, बस पावर निकालना है। बहुत ईजी सवाल है, बहुत ईजी सवाल है, तो 2 मार्क का ही सवाल है, 3 मार्क का नहीं हो सकता। आपके दिमाग में लग रहा होगा 3 मार्क से लग रहा है मेरे को, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो अभी डालो वीडियो को पॉज, सॉल्व करो अभी जल्दी से, अपने साथ में तो जल्दी से चलो। 2 मार्क का सवाल है, आपको 1 मिनट मिलेगा, ऑप्शन आपके सामने हैं। मैं आपको दे रहा हूं 5 सेकंड यहाँ पे वीडियो पॉज करके सॉल्व करने के लिए, मतलब वीडियो पॉज कर लो, 5 सेकंड के बाद में स्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके सॉल्व कर देना, फिर ज्वाइन कर लेना। 3, 5, 4, हर्ष, अमृत, अनुभा, जय हो। लेट्स गो पीपल। 0.1D, 0.5D, 10D, 20D, 10D, 10D, South Indians, Keralites know what does 10D mean. I'm not talking to you by the way. ठीक है, North Indians can ask all the South Indians right now what does 10D mean. Let's go people. Let's solve this now. Let's solve this. Concentrate in the question, not on the 10D concept. Let's go. Find the power of a convex lens which forms a real and inverted image of magnification. अरे m is equal to -1 दिया है। An object placed at a distance of 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, निकालना क्या है, पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो यानी कि f चाहिए। क्या f दिया हुआ है? एफ नहीं दिया हुआ है, तो एफ कैसे फाइंड करोगे? एफ का फाइंड करोगे बाय द फॉर्मूला ऑफ लेंस, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें आपके पास v है, घंटा नहीं है, u है, बिल्कुल बिल्कुल है, तो v कैसे निकालोगे? v इन दोनों से निकालोगे। क्यों? आपको पता है भाई फॉर्मूला क्या है, आपको पता है, पता है, पता है, बिल्कुल पता है आपको क्या फॉर्मूला है। आपके पास फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u, है कि नहीं? v मिल जाएगा, v इज इक्वल टू m इंटू यू, m दिया हुआ है -1 इंटू यू कितना दिया हुआ है -20, जवाब आपके पास आ गया है 20 सेंटीमीटर। आपके पास v की वैल्यू आ चुकी है 20 सेंटीमीटर। अभी v डालो यहाँ पे, u ऑलरेडी है आपके पास, f मिल जाएगा, f को डालो यहाँ पे, पावर आ जाएगा, करेक्ट। 2 मार्क का सवाल, बिल्कुल 2 मार्क का सवाल। यहाँ तक करने के लिए आपको आधा मार्क्स मिलेगा और ये पूरा करने के लिए आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा और पावर करने के लिए आपको आधा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 3 मार्क का भी आ सकता है वैसे सवाल, क्योंकि 3 मार्क का सॉलिड लग रहा है मेरे को ये, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/u। स्पीड स्पीड अभिषेक स्पीड, -20 फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। Thank you. I went fast and furious. I went fast and furious in this now. Thank you so much, brother. Thank you so much. उम्मीद है कि आपको 10 सेंटीमीटर आएगा। इतना तेज करने के बाद मेरा पोपट हो जाएगा अगर जवाब गलत आया तो, ठीक है। लेट्स सी पावर निकालनी है अभी। पावर इज इक्वल टू 1/f, 1/f इज 10। हाँ गलती अभिषेक, बेशरम गलती करोगे, क्यों गलती करोगे? 10 सेंटीमीटर कैसे ले लिया? फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स, पावर के फॉर्मूला में फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स, तो 0.1, 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, जवाब आ गया आपका 10 डायप्टर। अरे 10D आ गया, 10D जवाब आ गया। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो बच्चों मैं जवाब देखे बिना बता सकता हूं कि जवाब सही है कि नहीं। क्यों? सबसे पहली बात, क्या मुझे फोकल लेंथ पॉजिटिव आई है? बिल्कुल आई है। क्या फोकल लेंथ पॉजिटिव आना चाहिए था? बिल्कुल आना चाहिए था। क्यों? मैग्निफिकेशन नेगेटिव है और ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, और कॉन्वेक्स लेंस ही मुझे एक रियल इमेज दे सकता है, और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस का पावर भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस 10D। देख लेते एक बार, चेक कर लेते हैं। उलाला उलाला उलाला, सही, बढ़िया, एकदम सही यार। कभी कभी लगता है ना कि हर से बहुत ज्यादा प्यार और ब्लेसिंग्स बरसाते हैं कि हर एक सवाल इतना अच्छे से हो जाता है। Pray to them, pray to him people. मैं pray for him बोलने वाला था, pray to him, pray for him also, it's okay. He needs it. He needs all of us prayers. Question number 5 on your screens, 2011 का सवाल, बहुत ही easy. Again a very चिकना question. चिकना ये भी लल्लू ही है, ज़्यादा चिकना है। So, an object is placed at the following distance from a convex lens of focal length 15 cm. Which position of the object will produce an image of same size? Easy. Do you want me to do this? 2 marks question 2011. I don't think you require 5 seconds for this question. Come on, people. This is such harsh question. Such harsh question is this. Come on. You can do this so easily. Even Harsh sir can do this blindfolded. Come on, please go ahead, people. An object is placed at the following distance from a convex lens focal length 15 cm. Which position of the object will produce an image of same size? Which position? Exactly when the object options. 35 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, व्हाट डू यू गाइस थिंक? आंख बंद करके हर से जवाब दे सकते हैं, तो आप नाक बंद करके तो बिल्कुल दे सकते हो। तो नाक बंद करो, 30, 20, 10, कौन सा लगता है आपको? सही बताओ, विच साउंडेड राइट। आई होप यू गाइस आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर पीपल, आई रियली होप, क्योंकि है ये बहुत ही ज्यादा इजी सवाल, बहुत ज्यादा इजी सवाल है ये। रेडी, ओके, लेट मी हेल्प यू आउट। सो देयर इज ओनली वन पोजीशन इन द एंटायर रे डायग्राम सिनेरियो जहां पे आपका ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज का होता है, एंड दैट्स ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन the center of curvature or 2f1. If the object is kept on 2f1, the image is formed at 2f2. ये आपका lens है, correct? This is 2f1, this is f1, this is f2 and this is 2f2. ठीक है? तो object को अगर मैं यहाँ रखूँगा, तब जाके image मेरी, क्या कर रहा हूँ मैं? इन्नड़ा पन रहा है, हाँ, आ गया। क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, ठीक है? और उसके बाद सुनो ना, ये लगा बन गया, ठीक है। That's the only position when this happens. So it's given very clearly that focal length is 15 centimeter. So of course your 2F1 would be 30 centimeter. Correct? So where should the object be kept? The object should be kept at 30 centimeter mark. So the image is also formed at 30 centimeter mark. Now this question is for 2 marks. You can either define it through the help of your diagram, or you can do it with diagram only. How can you do the other way? You cannot do it the other way. Because of course the object distance value is not given to you, so you don't have to go through numerical. You can just have to put down this diagram and beautifully draw this diagram to say the only way that the object can create an image of the equal size is by keeping the object at the 2f1 position of the lens, and the value of 2f1 is of course the double of f1, and f1 is 15 centimeter given in the question, so 2f1 is 30. That's what you have to say, and that's all you have to do. See, simple and correct answer, and for that you will be getting 2 marks. Can you believe that? Do you need 5 seconds for this question? No, of course not. 2 marks in your hand, and that question has come in 2011. तो हमेशा याद रखना, मैंने आपको उमंग सीरीज में क्लियरली बोला हुआ है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो उमंग सीरीज से भी आ रहे हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे, रे डायग्राम से होंगे, तो उमंग सीरीज को ध्यान से पढ़ देखना बच्चों, मजेदार है. एंड गेस व्हाट, कितना वक्त हुआ? विद इन 21 मिनट वी कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस. वी हैव जस्ट 4 मोर टू गो. हाउ अमेजिंग. Today we are on rock and roll. जय श्री हर्ष. सब आपका आशीर्वाद है सर, सब आपका आशीर्वाद है. थैंक यू. या तो बच्चों जोर से बोलो जय श्री हर्ष, जोर से बोलो बल्ले बल्ले, क्योंकि उनके हेल्प की वजह से हमने कर लिया है कंप्लीट हमारा 5 सवाल. अब मैं आपको एक खुशखबरी बताता हूं, ठीक है? थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, हमेशा स्प्रिंट टेस्ट के बीच में रेस्ट लेते हैं. 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बाद तो थोड़ा सा रेस्ट और लेते हैं, तो 1 मिनट का हम रेस्ट लेंगे. यहाँ पे आपको ये बता देता हूँ कि भाई स्प्रिंट एक्स का जो 25 नवंबर से 30 नवंबर का जो सेशन था, उसके बीच में हमने आपको एक ऑफर दिया था छोटा सा. उस ऑफर के दौरान इतने सारे बच्चे जुड़ गए हमसे, उन्होंने मौके का फायदा उठाया और मौके के फायदे में चक्का मार दिया उन्होंने सबने. कितना मजा आया, मतलब हजारों बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन अभी, एंड दे आर एंजॉयिंग देयर मच. आज सुबह ही मैं बहुत सारे ईमेल्स पढ़ रहा था जो मुझे आए हुए थे, एंड आई कुड सी दैट द स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मी ईमेल सेइंग दैट सर थैंक यू सो मच, यू टोल्ड अस अबाउट द वेदांतु सब्सक्रिप्शन, बिकॉज नाउ आई एम एंजॉयिंग टू द फुलेस्ट एंड आई एम पार्टिसिपेटिंग इन द क्रैश कोर्स सो डैम मच, बिकॉज क्रैश कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं. बहुत बच्चों का शायद मौका छूट गया होगा फॉर दैट पर्टिकुलर सेल. तो मैंने आपको बोला था जब दिवाली सेल हुई थी कि अगला क्रिसमस के दौरान ही होगा, लेकिन स्प्रिंट टेस्ट के लिए हमने दोबारा ये सेल लाए थे 1 महीने का सब्सक्रिप्शन के लिए, बट मुझे लगता है कि अभी वो खत्म हो चुका है. Let's see, I'm on the talk with them so that I can bring back that discount, but not so sure, but let's see what happens. So all the students who are focusing on 100% of knowledge and of course consequently the marks, हर एक बच्चा जो अभी तक किसी ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, बताना कितने बच्चे हैं वो, बताना मुझे जरूर. हर एक बच्चे जिसने पढ़ाई स्टार्ट कर ली है लेकिन रिवीजन नहीं किया है, हर एक बच्चे जिसने पढ़ाई करके रिवीजन कर लिया है, सब के लिए क्रैश कोर्स अल्टीमेटम है, अल्टीमेटम. और हर एक बच्चा जो प्रो सब्सक्रिप्शन का भाग होता है वेदांतु का, उसे ये क्रैश कोर्स फ्री में दी जाती है एब्सोल्युटली, बिकॉज सब्सक्रिप्शन इज वन. उसके अंदर जितने भी कोर्सेस हैं वो सब कुछ फ्री है फॉर अ वेदांतु प्रो सब्सक्राइबर. सिंपल एज दैट. इट्स लाइक नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स को ऑन करो आप, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कॉमेडी मूवीज देख सकते हो, आप हर एक मूवी देख सकते हो. वैसे अब यहाँ पे हर एक कोर्स आपके लिए है. यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी कोर्स यू वांटेड, एब्सोल्युटली देयर. So crash course is something which is starting really right now, and I think it's already started for CBSE 10th also right now. So do not wait now, people. Please do not wait now. What you have to do is very very simple. And what and all you'll be getting in this crash course, let me tell you too. In every pro subscription class, you have the option of unlimited live classes. When I say unlimited courses, it has unlimited live classes with high level quizzes and super fun learning, and you're competing with students throughout the world. So you understand the weaknesses and the strengths of yourself. अपने आप को अभी से रैंक कर पाओगे आप कि भाई पूरे कंट्री में मैं कहां पे आ गया, क्योंकि पूरे कंट्री के बच्चे होते हैं हमारे क्लासेस में. अभी से रैंक करना स्टार्ट करो अपने आप को, मजबूत बनाते रहो, और आपने से अगर हर एक बच्चा अपने आप को मजबूत बनाते रहेगा, एंड दैट वुड बी अ ड्रीम कम ट्रू व्हेन आई विल सी थाउजेंड्स ऑफ टॉपर्स विद द सेम परसेंटेज ऑन न्यूज़पेपर. भाई न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ सबको क्रैश करना है ना, सबको शॉक करना है कि हजारों बच्चों को 1% कैसे आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता, बिल्कुल, है ना बच्चों? Keep that in your mind. You of course have the option of interactive video. जब होते हैं अनलिमिटेड लाइव क्लासेस तो 1 या 2 क्लासेस मिस हो सकते हैं, ऑफ कोर्स ही बात है. तो डरना मत बच्चों, क्योंकि लाइव क्लासेस को हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं ताकि आप जब चाहे देख पाओ. और सबसे मजेदार बात, जब देखोगे उसमें भी क्विजेस खेल पाओगे। ये ऑप्शन तो भाई मजेदार है, ये पूरे एडटेक कंपनी में कहीं पे भी नहीं है जहां पे आप इंटरैक्टिव रिप्ले देख सकते हो, पेटेंटेड है हमारा। उसके बाद यू ऑफ कोर्स कैन डाउनलोड दी नोट्स अलॉन्ग विद दी हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर्स। हर एक नोट आपको हैंड रिटन नोट के साथ मिलेगा, जैसे आपको अभी मिल रहा है ना पीडीएफ हमारे स्प्रिंट एक्स के थ्रू, जहाँ पे टीचर्स जो मैंने लिखा है उसके साथ आप डाउनलोड कर पाते हो, विद इन 24 आवर्स वो अपडेट हो जाता है। वैसे ही वहां पे भी एज सून एज सेशन एंड्स नोट्स अपडेट हो जाती है, वहां पे 24 आवर्स वेट भी नहीं करना पड़ता आपको, है ना। अलॉन्ग विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ टीचर्स यू गेट दैट एंड दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। और उसके अलावा ऑफ कोर्स यू हैव जितने भी डाउट्स आपके इन महीनों में आपने जोड़ कर रखा हुआ है हर एक टॉपिक को लेकर, जो मुझे आप भेजते रहते हो ईमेल में, जो मैं क्लियर करते रहता हूँ जितना हो सके, जो कमेंट्स पर डालते हो, वो सारे के सारे डाउट्स आप सेशन में पूछ सकते हो हमारे मास्टर टीचर को एंड क्लास टीचर। दो टीचर्स होंगे जो आपके मिल के पढ़ाई करेंगे, मिल के डाउट सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आता है क्लासेस में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो होंगे, जो अभी कह सकते हैं सारे मेरे प्रो सब्सक्रिप्शन के बच्चों, कह सकते हो यहाँ पे कितना मजा आ रहा है आपको, है ना, मचा दो। स्पैम कर डालो भाई, जैसे चैट में स्पैम करते हो ना, यहाँ पे भी स्पैम कर डालो, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एवरी प्रो सब्सक्राइबर हैज 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेस, फ्री क्रैश कोर्सेस। यस, क्या करना है आपको, बस गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और इन द पिंड कमेंट, एंड एज सून एज यू गो ऑन टू दैट लिंक और इन द पिंड कमेंट, व्हाट यू विल बी सीइंग लेट मी शो इट टू यू इन अ वेरी वेरी क्विक ग्लांस। आपको जल्दी से दिखा देता हूं कि क्या क्या मिल सकता है आपको। एक मिनट रुक जाओ, मैं दिखा देता हूं आपको सीधा ना, मैं हमेशा दिखाता हूं आपको। So let me just show it to you guys again कि मिलने क्या क्या वाला है आपको, ठीक है, जल्दी से चलो 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 चलो। यस, मैं ऑफ कोर्स स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ आपको अपना आईडी और पासवर्ड टाइप करते हुए, क्योंकि मुझे पता है आपके बारे में बड़े बेशरम हो आप, बड़े बेशरम, है ना। यस VDNT.in/YT Pro, यही था ना हमारा लिंक। यस, आ गया रे आ गया इस दिल को चैन रे। जैसे आप लिंक पे जाओगे ना जो डिस्क्रिप्शन में है उस, वहां पे आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। जैसे सब्सक्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, जैसे सब्सक्रिप्शन में जाओगे ये आपके सामने खुल जाएगा। करना क्या है भाई, सीधे जाके अपना ग्रेड चूज करना है। ग्रेड चूज कर लिया, 3 बोर्ड है, तीनों में से जो बोर्ड में आप बोर्ड चूज कर लो, ये आपके सामने खुल जाएगा। सबसे वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो मैंने बताना भूल गया आपको, यू हैव द ऑप्शन ऑफ लर्निंग इन द लैंग्वेज व्हिच यू वांट टू लर्न, ईदर इन इंग्लिश और इन हिंदी पाडे। और आपके पास ऑप्शन है अपना खुद का शेड्यूल चूज करने का, ऑल दैट अलॉन्ग विद ब्यूटीफुल टेस्ट सीरीज एंड अलॉन्ग विद देयर एनालिसिस एज वेल, जहां पे आपको हर एक सोर्स से क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, सैम्पल पेपर्स हो, चाहे वो कोई रेफरेंस बुक हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन व्हिच यू हैव टू हैव, ठीक है। तो रिजल्ट्स भी देख लेना हमारे, देख सकते हो आप इतना मस्त मस्त रिजल्ट्स है 10th का, 12th का। यू हैव ऑल इंडिया रैंक्स इन जेईई, यू हैव ऑल इंडिया रैंक्स इन जेईई एडवांस, यू हैव द ऑल इंडिया रैंक्स इन नीट, CBSE 10 ग्रेड, CBSE 12 ग्रेड, ICSE 10th। अमेजिंग रिजल्ट्स। जस्ट क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, जैसे क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे खुल जाएगा 1 महीने का और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन। व्हाट यू नीड टू डू, एंड 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज 2700 एंड 3 मंथ सब्सक्रिप्शन इज 7000, बट डोंट वरी अबाउट दैट बिकॉज यू वुड अप्लाई माई कूपन कोड दैट इज AKPRO, एंड द मोमेंट यू अप्लाई माई कूपन कोड यू विल नोटिस दैट द 7000 क्रैश कोर्स रुपीज 7000 सब्सक्रिप्शन मनी फ्रॉम 3 months reduces down to 5500, 1500 का डिस्काउंट चल रहा है। एंड द मोमेंट यू गो ऑन टू 1 month, ओ लुक एट दैट पीपल, लुक एट दैट 1350, ओ माय गॉड, यू सी दैट, दैट मींस द ऑफर इज स्टिल गोइंग ऑन, 50% ऑफ स्प्रिंट एक्स इज स्टिल गोइंग ऑन। हाउ अमेजिंग इज दैट, ये तो मुझे भी नहीं पता था, कितना मजा आ गया देखकर, है ना। तो अगर ये स्प्रिंट एक्स का ऑफर नहीं चल रहा होता तो ये कम होकर 2160 पे आता, 2160, and the 3 months course would have come to 5600, but now this is coming for 1350, half of the price, and the 3 month course is coming for 5500. How amazing, how beautiful yaar, how beautiful this is. I love this company a lot. हमने एक्सटेंड कर दिया, मतलब मुझे बताया भी ना एक्सटेंड हो चुका है, क्या बात है, look at that. So people, 1350 का कोर्स चल रहा है, you cannot leave this. This is the opportunity for lifetime. You cannot literally leave this opportunity. Make sure that you get in. And make sure that you give your best here. This 1350 rupees is not for physics, it's for physics, chemistry, biology, SST, English, mathematics. पूरे 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए मचा डालो। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर पूरा पढ़ डालो और उसके बाद चाहिए उसके बाद रिन्यू कर लेना, क्योंकि जब 1 महीना होगा आपके पास December 25th जो क्रिसमस टाइम है या तो न्यू ईयर टाइम है, वहां पर भी ऑफर चल रही होगी, वहां पर रिन्यू कर लेना अपना 1 महीने का और, है ना। वरना आप चाहते हो तो अभी से 3 महीने का ले लो, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा, दिमाग लगाओ, 1 महीने का भी ले लो, न्यू ईयर के टाइम में एक और, मेरे को पता है कि ऑफर आएगा, मैं जानता हूं, मैं कंपनी के अंदर हूं, मुझे पता है, तो उस दौरान दोबारा रिन्यू कर लेना इसी ऑफर पे, मचा डालोगे फिर, है ना। तो गो अहेड पीपल, डेफिनेटली गो अहेड। और 1350 जब ये बात आ रही है 1350 की, आपको ये बात पता होना चाहिए कि भाई एक महीने के अंदर एस्पेक्ट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बच्चे हमारे कितनी क्लासेस लेते हैं बताया हुआ मैंने आपको, कम से कम 250 क्लास लेते हैं, कम से कम 250। तो 0 0 कैंसिल हो गया, कितना बच जाएगा ₹5 पॉइंट समथिंग पर क्लास। और यहाँ पे सिर्फ मैं अनलिमिटेड लाइव क्लास की बात कर रहा हूँ, जितने ज्यादा क्लासेस लोगे और कम होते जाएगा पैसे, ठीक है। तो बच्चों गिव योर बेस्ट, एब्सोल्युटली गिव योर बेस्ट। I really don't want or think you should lose out this opportunity. Give your best, ठीक है? और I'm so surprised, I'm so amazed to see the thing is still going on, man. The crash course is still going on. Super amazing, super proud, Vedantu. You should know that. Great, ठीक है? Yep. So we are back to question number 6. Just 4 more questions. And कितना वक्त हो गया अभी? Yay, we are at 30 minutes. यानी कि 10-15 मिनट के अंदर पूरा खत्म। हमेशा की तरह 40-45 मिनट, हमेशा की तरह नहीं, क्योंकि मेरे को पता है लाइट 1 में भी 1 घंटा हो गया था और इलेक्ट्रिसिटी 2 में 54 मिनट्स थे। इलेक्ट्रिसिटी 1 45 मिनट्स में हुआ था, आज मैं 45 मिनट्स में करेगा ये, बिल्कुल। 2019 का क्वेश्चन बच्चों, 3 मार्क्स का सवाल। एग्जामिनेशन में 3 से 5 मिनट ले सकते हो, यहाँ पे लेना है सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। टाइमर स्टार्ट करो, ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन रीड करते हैं। An object is placed at a distance of 60 cm from a concave lens of focal length 30. Arre, concave lens. Okay. Use lens formula to find the distance of the image from the lens. Also find the size and nature of the image formed by the lens. चलो, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। ये मैजिक क्या है? बिना क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व के जवाब कैसे निकल सकता है, ये बताने वाला आपको, ठीक है। अगर आपको वेरिफिकेशन मेथड पता है, जो बच्चे मेरे साथ उमंग सीरीज में थे यूट्यूब पे, उनको पता ही है वेरिफिकेशन मेथड। जो मेरे प्रो सब्सक्रिप्शन बच्चे हैं उनको पता ही है। जो बच्चे नए हैं, आज आप जादू देखोगे। क्या देखोगे? जादू, जादू देखोगे, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो अभी। 3 2 1। उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन चूज कर लिया। अब देखो कमाल, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के लिए बच्चों शॉर्ट फॉर्म क्या है? व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉनकेव लेंस? कॉनकेव लेंस का शॉर्ट फॉर्म है, जो वेदांतु का नाम है, वेदांतु के नाम से, जो आपको मेरे टी शर्ट के पीछे दिख रही है, वेदांतु का नाम जो है, वेदांतु के नाम में जो वेद है, वेद को लिखो यहां पे। दिस इज द शॉर्टकट फॉर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ऑलवेज गिव्स यू अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो पहली बात कट गया, कट गया, क्लियर कट, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड मैग्निफाइड, कट गया। वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, सही, ऑप्शन सी करेक्ट। 5 सेकंड नहीं लगे मेरे को ऑप्शन निकालने में, 5 सेकंड नहीं लगे। चलो मान लेते सर ऑप्शन नहीं है एग्जामिनेशन में, तो आप कैसे करोगे सर? आप पता है मेरे को वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है। मेरा जो इमेज डिस्टेंस है वो लेंस के सामने बनेगा, तो नेगेटिव होगी वी की वैल्यू, ठीक है, लेंस के सामने बनेगा। दूसरी बात, कॉनकेव लेंस के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है, द वैल्यू ऑफ वी इज ऑलवेज लेस देन यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से हमेशा कम होता है आपका इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 60। तो यानी कि आपकी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू 60 से कम होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आपके कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ से भी या तो कम होती है या तो इक्वल टू होती है हमेशा। आप रे डायग्राम जाके देख सकते हो, कोई भी सिमुलेशन उठा के देख लो आप गूगल में, आपको क्लियरली दिख जाएगा ये कि v की वैल्यू हमेशा u से कम होगी और v की वैल्यू हमेशा फोकल लेंथ से भी कम होगी या तो इक्वल टू होगी। इक्वल टू कब होगी? जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तब इमेज बनती है फोकस पे, तब इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ सेम होती है, वरना हर एक केस में हमेशा वो फोकल लेंथ से कम ही होगी, ठीक है बच्चों। मजेदार बात, अब देखो आगे, अब देखो मैजिक देखो भाई। ये मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन विल ऑलवेज बी पॉजिटिव क्योंकि वर्चुअल इमेज बन रहा है हमेशा, और मैग्निफिकेशन शुड बी लेस देन 1 क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है हमेशा। हाइट ऑफ द इमेज की वैल्यू हमेशा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम होगी क्योंकि डिमिनिश्ड इमेज है। हाइट ऑफ द इमेज हमेशा पॉजिटिव होगी क्योंकि इरेक्ट इमेज है। ये सारी चीजें मुझे पता है अबाउट कॉनकेव लेंस, और ये सारी की सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगी। कोई भी क्वेश्चन हो कॉनकेव लेंस से रिलेटेड, हर एक सवाल कॉनकेव लेंस से रिलेटेड यही चीज होगा। कर लो नोट डाउन, कर लो नोट डाउन बच्चों, कर लो नोट डाउन। ये है मैजिक, कैसे जवाब निकालना है बिना कुछ किए हुए, ठीक है। अब देखो सॉल्व करते हुए, ठीक है। अब तो भाई चिकना क्वेश्चन को हम चिकने तरीके से सॉल्व करते हैं, स्मूथ तरीके से। 1/f = 1/b - 1/u, 1/b निकालना है तो 1/f + 1/u, है ना। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और कॉनकेव लेंस है तो -30 प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव -60। करो सॉल्व इसे, -90 डिवाइडेड बाय -30 इनटू -60, 31 जा 33 जा 31 जा 320 जा, माइनस माइनस कैंसिल, b बन गया इक्वल टू पॉजिटिव पॉजिटिव बी नेगेटिव आना, हाँ मैं सोच रहा बी पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा, बी तो नेगेटिव ही आएगा, हाँ माइनस माइनस 20 सेंटीमीटर आ गया भाई, आ गया। बी मेरे को आना चाहिए था नेगेटिव, आ गया। बी 30 से कम आना चाहिए था या तो इक्वल टू आना चाहिए था, आ गया। 60 से भी कम है, करेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। बोर्ड एग्जामिनेशन से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पे सही। अब आगे क्या निकालना है, नेचर निकालना है, नेचर और साइज निकालना है। नेचर मैग्निफिकेशन से निकलेगा, एम इज इक्वल टू बी अपॉन यू, बी आपको मिल गया वहाँ पे -20 और यू आपको पता है -60, 21 जार 3 जार, तो ये आपका आ गया -1/3 पॉजिटिव वैल्यू, हाँ पॉजिटिव वैल्यू आ गया आपको, तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, करेक्ट, मैग्निफिकेशन लेस देन 1, करेक्ट। साइज ऑफ द इमेज h डैश, नहीं साइज ऑफ द इमेज नहीं पूछा है, नेचर एंड आल्सो फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट हाइट नहीं दी गई है ना, ठीक है। जब आपको ऑब्जेक्ट हाइट नहीं दी जाती है तो आप आराम से ये कर सकते हो कि h डैश अपॉन h इज इक्वल टू m है ना, तो आप क्या लिख कर देना, यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, ठीक है, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू m, h नहीं दिया गया लेकिन मैग्निफिकेशन दी गई है कितनी 1/3, सो h डैश इज अपॉन h इज इक्वल टू 1/3, यानी कि आपका जो यू नो h है, आपका जो h डैश जो है वो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से 3 गुना कम है, खत्म, दैट्स इट। पॉजिटिव वैल्यू, करेक्ट, लेस देन h, करेक्ट। हाउ अमेजिंगली इजी, हाउ अमेजिंगली इजी, इजंट इट पीपल। तो हमेशा याद रखना, कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये चीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आ गया होगा, देख लेते हैं एक बार, और ये डायग्राम भी आपके सामने है बहुत क्लियरली, एंड ये रहा, करेक्ट, absolutely correct people, congratulations. Moving on to the 7th question which is again a 3-mark question. इसके बाद जो मैंने बताया था आपको 8th and 9th question चिकने, ठीक है, पहले 7th question कर लेते हैं। ये हमारे power of lens से related है। One student uses a lens of focal length plus 50 cm, another minus 50 cm. State the nature and find the power of each lens. Hut. Which of the two lenses will always give a virtual and diminished image respective of the position of the object? 20-14 क्वेश्चन, बहुत ही लड्डू, बहुत ही लड्डू भाई। ये रहा आपके सामने ऑप्शंस, +2D -2D कॉन्वेक्स, +2D -2D कॉनकेव, +0.5D -0.5D कॉन्वेक्स, +0.5D -0.5D कॉनकेव। इसको करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 3 सेकंड, आप वीडियो को पॉज करो, इस टाइम पे 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर देखो। मैं मुझे पता है कि 30 सेकंड्स में सॉल्व हो सकता है और मैं ऑप्शन को देखते साथ 2 ऑप्शंस लीड कर सकता हूँ, है ना। 3, 2, 1, होपफुली आपने इस सवाल में ही मचा दिया होगा। तो सबसे पहले सेकंड सवाल का जवाब देते हैं, विच ऑफ द टू लेंसेज विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअली डिमिनिश्ड इमेज? ऑलवेज, विच लेंस गिव्स? ऑफ कोर्स, हर्ष, ओ सॉरी, ऑफ कोर्स कॉनकेव, अभी तो पढ़ा हमने, कॉनकेव ऑलवेज गिव्स यू वेद। सुनो ना सुनो ना सुनो लो ना, कॉनकेव क्यों कट, अरे पागल पागल अभिषेक, सुनो ना सुनो ना सुन लो ना, सही, ठीक है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में सही जवाब कोई ना कोई एक है। ऑफ कोर्स, वन स्टूडेंट यूज लेंस ऑफ फोकल लेंथ +50 सेंटीमीटर, इसका पावर निकालना है, और +50 सेंटीमीटर का नेचर क्या होता है, पॉजिटिव फोकल लेंथ इज कॉन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव फोकल लेंथ इज कॉनकेव लेंस, ये भी लिखना है, ठीक है, 3 मार्क का सवाल है ना। उसके बाद निकालना है हमें पावर, सो पावर इज इक्वल टू 1/50 करोगे ना, ये करोगे ना, पावर 1/50 सेंटीमीटर में, पावर के फॉर्मूला में फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होगा, हाँ तो छोटा सा तिल लगाते हैं ना, नजर नहीं लगने के लिए तिल लगा देना है, ठीक है। तो 1/0.5 इज नथिंग बट पॉजिटिव 2 डायप्टर्स, सेम दूसरे वाले के लिए आ जाएगा, प्लस -0.5, दिस वुड बी -2 डायप्टर्स, खत्म की कसम है तुमसे, खत्म, सही, बढ़िया सॉल्यूशन, उलाला उलाला, सही बच्चों, एकदम सही जवाब, बहुत ही बढ़िया मचाया आप लोगों ने। 7th क्वेश्चन का भी जवाब बिल्कुल सही दिया। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं टू दी 8th एंड दी 9th क्वेश्चन, आखिरी सवाल जो होने वाले हैं 5 मार्क्स के, मचाते सभी। 39 मिनट्स हो गए, 45 मिनट्स तक करना है मेरे को, मैं थाम के लाऊंगी, 1 घंटे तक आपको नहीं पकाऊंगा, 45 मिनट्स तक करूंगा, ठीक है। ये रहा आपके सामने 8वां सवाल, बोर्ड्स 2015 का है ये, वीडियो को पॉज करो अभी और मचाओ इस सवाल को। ये क्वेश्चन देखने के लिए बहुत ईजी है क्योंकि है ये ईजी, चिकना है, चिकना है बट हर साल का है, ठीक है। देखो ऑप्शन भी आपके सामने, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल लेंस इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ओके, from the optical center of the lens, identify the type of lens and calculate its focal length. If the height of the flame is 3 cm, find the height of the image. पहली बात आइडेंटिफाई द लेंस तो मैंने ऑलरेडी कर लिया, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी कर लिया होगा। 3 सेकंड में दे रहा हूं आपको, जल्दी से आगे बढ़ो और मैं आपको बताता हूं कि मैजिकली कैसे जादू करते हुए बता सकते हो कि कौन सा ऑप्शन गलत है। 2 ऑप्शन तो ऐसे निकल जाएंगे और मैं एक और जादू आपको दिखाऊंगा, एक और तरीका दिखाऊंगा कि कैसे जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दी जाए फोकल लेंथ को कैसे गेस मार सकते हो, वो दिखाता हूं मैं आपको अभी, ठीक है। बट आगे बढ़ो, वीडियो पॉज कर लिया, पॉज कर लो, 3 2 1। अब देखो ध्यान से, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर दिया होगा मेरे ख्याल से आपने। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी में क्या सही है। सबसे पहले image is formed on a screen. Image is formed on a screen, and only a real image can form on a screen. Concave lens do not form a real image at all. It's always convex lens. तो concave कट गया। आप गैस कैसे मारेंगे फोकल लेंथ कहाँ पे है? देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे एक सिंपल सा बेसिक नॉलेज है जो दिमाग में रखना अच्छा होता है। The image of a candle flame placed at a distance of 30 cm. Object distance is -30. Image distance is +60 cm. Why +60? क्योंकि it's formed on the other side of the lens, it's written, ठीक है। तो अगर मैं लेंस बनाऊं, ये f1 मान लेते हैं, ये 2f1 मान लेते हैं, ये f2 मान लेते हैं, ये 2f2 मान लेते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, what is that position of the object and image when u is less than v? अब अपने दिमाग में वो जो 6 रे डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस, उसको दौड़ाओ। ऐसा कौन सा रे डायग्राम जिसमें v की वैल्यू u से ज्यादा है, जहां पे v u से ज्यादा है? दिमाग लगाओ, सोचो। पहले वाले में, पहले रे डायग्राम में ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज फोकस पे है, तो u बड़ा है v से। दूसरे रे डायग्राम में भी u v से बड़ा है। तीसरे रे डायग्राम में u और v इक्वल होते हैं जब 2f1 2f2 पे बनता है। चौथे रे डायग्राम में आपकी u की वैल्यू u f2 2f2 के बीच में होता है और v बियॉन्ड 2f2 बनता है। हाँ, दिस इज दैट सिनेरियो जब u की वैल्यू v से ज्यादा होती है, v की वैल्यू u से ज्यादा होती है। एक और है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, लेकिन ऑब्जेक्ट फोकस पे नहीं है, पता नहीं है मुझे। और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इंफिनिटी पे होता है। इट्स नॉट द केस ऑफ दैट, इमेज 60 सेंटीमीटर पे, इंफिनिटी पे नहीं। दैट मींस दिस द ओनली सिनेरियो इज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1 एंड द इमेज इज फ्रॉम बियॉन्ड 2f2। दिस इज द केस व्हेन u इज ग्रेटर देन v, सो u इज लेस देन v, करेक्ट। u कितना है? 30. v कितना है? 60. v 60 है, यानी कि आपकी f1 की वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए ना। आपकी f1 की वैल्यू 30 से कम होनी चाहिए। कौन सा है भाई? ये 20 है, ये 30 है, गलत आंसर। f 30 है ही नहीं। अगर f और ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे होते हैं तो इमेज इंफिनिटी में बनता, करेक्ट आंसर। मजा आ गया ना? ऐसे बहुत सारे मैजिक से भाई, स्प्रिंट एक्स देखते रहो, मजा आते रहेगा, ठीक है बच्चों। बहुत बढ़िया, इसको हम वेरिफिकेशन मेथड बुला सकते हैं जो हमने सीखा है ऑलरेडी। तो दैट्स द आंसर, गॉट द आंसर। नाउ आई हैव ऑल द वैल्यूज टू गो फॉरवर्ड एंड गिव मी द आंसर। अब इसके अलावा जवाब तो आ ही गए। मैं चलो बाकी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। तो ब्लू कलर उठाते हैं, ठीक है, जल्दी देखो ध्यान से। तो आपका पास फॉर्मूला है 1/f = 1/v - 1/u। ऑब्जेक्ट इमेज आपको दिया हुआ है 60 और -1/-30, तो -30 -60 is -90 डिवाइड बाय 60 into -30, तो -30 13 11 कैंसिल, 3 1 3 20 जा, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, पॉजिटिव वैल्यू, करेक्ट। सही, कॉन्वेक्स लेंस सही, खराब। अब हाइट ऑफ द इमेज निकालते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी गई है क्या? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो सीधा फॉर्मूला लिखना h' h = v/u, स्ट्रेट फॉरवर्ड। m निकालने की जरूरत नहीं है, अगर नेचर पूछा गया तो तब निकालना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स हो गया, कैलकुलेट फोकल लेंथ हो गया। हाँ, नेचर ऑफ द इमेज नहीं पूछा गया ना, तो निकालने की जरूरत नहीं है, मैग्निफिकेशन निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा एच डैश निकाल दो, ठीक है। v/u into h, v कितना है? v निकल गया ना 60, हाँ 60 -30, h is 3, 3 1 जा 3 10 जा 6, तो h डैश इज इक्वल टू -6 सेंटीमीटर। रियल इमेज है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी आपकी, सही। कितना लड्डू सवाल था ये, है कि नहीं बच्चों? ऐसे ही मचाते रहना है, बिल्कुल ऐसे ही। Keep giving your best. You guys have done an absolutely fantastic job. ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज के आखिरी सवाल पे, जहां पे आपको अपना बेस्ट देना है जैसे अभी तक आप देते आए हो, क्योंकि ये सवाल भी बहुत ही बड़ा मस्त है, ठीक है। ये रहा आपके सामने आपका आखिरी सवाल। दिस इज अगेन अ बोर्ड्स 2020 क्वेश्चन, पिछले साल का सवाल है ये। जो सवाल अभी आपने किया उससे भी थोड़ा और ईजी है, लेकिन 5 मार्क्स का आता है, तो देखते हैं कि 5 मार्क्स कहाँ जा रहे हैं। ऋषि वेंट टू अ पामिस्ट टू शो हिज पाम The palmist used a special lens for this purpose. अरे इतना लड्डू सवाल, palmist कौन सा लेंस यूज करता है बच्चों हाथ देखने के लिए? Magnification lens, which is a convex lens. State the nature of the lens. It is a convex lens. Convex lens उर्फ converging lens. पहला पार्ट हो गया, मुझे लगता नहीं इसके लिए आपको ऑप्शन की भी जरूरत है. ऑप्शन की जरूरत है आपको? नहीं ना, पहला पार्ट खत्म. अच्छा, एक मार्क मिल गया आपको यहाँ पे. दूसरा, एंड रीजन फॉर इट्स यूज, ये भी बताना है आपको. रीजन क्या आपको? तो ये 2 मार्क का सवाल है. नहीं नहीं, ये एक ही मार्क का सवाल. स्टेट द नेचर आधा मार्क, और रीजन फॉर इट्स यूज आधा मार्क. रीजन क्या है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट between the optical center and the focus of a convex lens, the image formed is magnified. The virtual image formed by convex lens is enlarged, magnified. That's the reason. Correct. Where should the palmist place hold the lens so as to have a real and magnified image of an object? Real and magnified image of the object. जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखते हो? Between f and 2f रखते हो, तब आपको एक रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलती है ना. तब आपको रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज मिलती है. You know about this very clearly. Great. आपको रियल मैग्नीफाइड इमेज कहाँ मिल सकती है? अगर एक ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा जाए तो इमेज 2f2 बनेगी, तो रियल एंड मैग्नीफाइड नहीं होगी, रियल एंड इक्वल होगी. अगर ऑब्जेक्ट को मैं बियॉन्ड 2f1 रखूं तो आपको डिमिनिश्ड इमेज मिलेगा. तो या सो दैट्स द ओनली केस व्हेन यू गेट अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज. सेकंड पार्ट भी हो गया. तीसरा, इफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस इज 10 सेंटीमीटर, ओके, इफ f इज इक्वल टू पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर. क्यों? कॉन्वेक्स लेंस समझ में आ गया. एंड द लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर. अरे -5 सेंटीमीटर, सॉरी, -5 सेंटीमीटर. ठीक है, ओके. यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. ओके, ग्रेट. ओके, सो यू इज इक्वल टू -5 सेंटीमीटर. भाई ये तो बहुत ज्यादा लड्डू हो गया ना, क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बीच में, फोकल लेंथ से कम है, तो आपका इमेज वर्चुअल मैग्नीफाइड बनेगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में. तो क्या दिया हुआ है आपको? यूज लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज. इट्स गोइंग टू बी एन एनलार्ज्ड इमेज एंड इट्स गोइंग टू बी इमेज व्हिच इज गोइंग टू बी फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ द लेंस. ठीक है, देखते हैं, जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं. इसके डायग्राम भी बना लेंगे हम, ताकि पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाए आपको. ये हो गया, ठीक है, ये हो गया f1, 2f1, f2, 2f2 हो गया, ठीक है, और ये आपका f1 हो गया 10 सेंटीमीटर. करेक्ट. तो ऑब्जेक्ट आपको रखा गया 5 में. करेक्ट. तो आपका इमेज कहाँ बनेगा? ऑफकोर्स इमेज यहाँ पीछे कहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे ही आपका इमेज बनेगा ना. देखो ऐसे निकल जाएगा ये, और ये f2 से निकलेगा. बस यहाँ पे इंटरसेक्शन होगी, आपको वर्चुअल इमेज मिल जाएगी. करेक्ट, बिल्कुल सही है. अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं इसे. तो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u. 1/b इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u. फोकल लेंथ इज 1/f कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, माइनस नहीं प्लस. 1/u इज -5. करो जल्दी सॉल्व. -5 प्लस 10 इज +5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू -5. -5 कट गया, आपका जवाब आ गया v इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर. पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव आएगा. हाँ सॉरी, -10 सेंटीमीटर. करेक्ट, -10 सेंटीमीटर आपको जवाब मिल चुका है. ओ, फोकल लेंथ पे आपका इमेज. अच्छा, इमेज यहाँ पे बन रहा है. ग्रेट, है ना. साइज भी निकालना है, साइज भी निकाल देते हैं. लेकिन साइज के लिए ऑब्जेक्ट हाइट दिया हुआ है क्या? नहीं, ऑब्जेक्ट हाइट नहीं दिया हुआ है, तो साइज कैसे निकालोगे आप? ठीक है, मैग्नीफाइड ही निकलना पड़ेगा. तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं, विच इज इक्वल टू v/u. v इज -10 एंड u इज -5. सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 2. वर्चुअल इमेज है, पॉजिटिव आएगी, तो यानी कि आपका हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 2. मैग्निफिकेशन इज 2 ना, तो हाइट ऑफ द इमेज इज 2 वाइज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. खत्म, सारे ऑप्शन खत्म कर दिए. क्या जवाब आया हमें? ये वाला होगा ना फिर, -10 एम इक्वल टू 2. करेक्ट, पहला ऑप्शन, पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है. हाँ, आठ फोकस पे होगा तब भी इमेज आपकी रियल एंड मैग्नीफाइड बनेगी, लेकिन वो इन्फिनिटी पे बन रही है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं बोला था, बट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. Congratulations people, मचा दिया आप लोगों ने. तो इसी के साथ हमने खत्म कर दिया. कितना वक्त लगा? 49 मिनट्स, 50th मिनट में खत्म करने वाले में ये. तो वी हैव कंप्लीटेड कॉनकेव मिरर न्यूमेरिकल्स, कॉन्वेक्स मिरर न्यूमेरिकल्स, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तीनों टॉपिक हमारे हो चुके हैं. वी हैव कंप्लीटेड कॉन्वेक्स लेंस न्यूमेरिकल्स, कॉनकेव लेंस न्यूमेरिकल्स, पावर ऑफ ए लेंस, ये तीनों भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों. इतना मजा आया ना लाइट चैप्टर करते हुए, भी बहुत मजा आ गया. लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट फॉर अस, बट बाय द वे दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन. उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक्स को क्रॉस कर दिया होगा हजारों में. 2000-3000 हो चुके होंगे. अब तक नहीं किया लाइक तो हिट द लाइक बटन राइट नाउ. सब्सक्राइब इट टू द चैनल राइट अवे इफ इन केस यू हैवंट. मेक श्योर कमेंट सेक्शन में हजारों क्रॉस कर जाए विद इन 24 आवर्स, है ना. तो सबसे पहली बात, नेक्स्ट होमवर्क रॉक कौन बनेगा? जल्दी बताओ. 2011 का सवाल है ये, इसको जवाब देना आपको कमेंट्स में. कमेंट्स में आपको बताना है नंबर 1 होमवर्क का जवाब नंबर 2। कोई डाउट्स हैं इस सेशन तो बताना मुझे, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ आपके डाउट्स को इतना हो सके कमेंट्स में। नंबर 3 आपको बताना है, सबसे पहली बात क्या है, कितना फेवरेट पार्ट ऑफ दिस सेशन कौन सा था बताना जरूर, ठीक है। फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था वो भी बता सकते हो। तो बच्चों जय श्री हर्ष, ये रहा आपका नेक्स्ट सेशन होने वाला है 7 दिसंबर को, ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड 3 बजे को होने वाला है नेक्स्ट सेशन मेरा। इससे पहले का सेशन था लाइट 1 दिसंबर को हो चुका है, तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये आज हो चुका है, नेक्स्ट सेशन ये है, ठीक है। तो मचाते जाना है और बाकी सारे सिलेबस का भी आप देखते रहना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी। डू नॉट फॉरगेट चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द पिन कमेंट और मचाते जाओ। द कूपन कोड इज AKPRO, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइबिंग टू वेदांतू प्रो सब्सक्रिप्शन टुडे इटसेल्फ। दैट्स इट। तो पीपल आई होप, रियली होप ऑल ऑफ यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन आल्सो। मेक श्योर हमेशा एक चीज याद रखना, स्प्रिंट एक्स में आपको दौड़ना है, उड़ना है और मचाना है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, आई एम होपिंग जब भी मैं कमेंट करता हूं यू गाइस आर शाउटिंग इट आउट टू द वर्ल्ड दैट यू कैन एंड यू विल। टेल आउट टू द वर्ल्ड पीपल दैट वॉच मी, राइट। लेट मी नो पीपल, इट वाज एन अमेजिंग सेशन एज ऑलवेज। यू गाइस मेक माय डे एवरी डे थ्रू आउट द डेज। विल सी गाइस इन नेक्स्ट वन। Until then, this is Abhishek signing off. Enjoy your life. Stay home, stay safe, and stay strong. Until then, peace.